इसमें हम लगभग जो है ना 60 ml डालेंगे, 60-70 ml। देखिए कलर आ चुका है, अब पूरा रेड कलर आ गया है, ये पूरी भुनाई हो चुकी है। तो जी ये आ गया जी जेडी का छौंक। तो जी थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या खाने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं आज हम आपको खिलाने वाले हैं जैक डेनियल विस्की चिकन। वाह जी। तो भाई साहब बता दें हम कि हम हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जगह कौन सा है? ये नजफगढ़ है। नजफगढ़ है। और सुबह सुबह इनका कॉल आता है मेरे पास, बोलते हैं कि भाई साहब आज आपको ये डिश खिलाएंगे ना जो आपने कभी खाया ही नहीं होगा, कभी इवन कभी देखा भी नहीं होगा बनते हुए। तो भाई साहब जब ऐसी बात है, यूनिक डिश की बात है कि डिश यूनिक हो, स्वाद यूनिक हो, तो भाई साहब हम लोग कहाँ पहुँच गए, सीधे मेट्रो पकड़े और पहुँच गए भाई साहब नजफगढ़, और आ गए हैं इनके पास जहाँ की आपका अच्छा ये क्लाउड किचन आपका ना पूरा। हाँ, ये क्लाउड किचन है, MCF किचन के नाम से क्लाउड किचन। अच्छा आपको दिख रहा होगा एड्रेस, जोमेटो पे अवेलेबल है आप? जोमेटो स्विगी पे नहीं, हमारा खुद का डिलीवरी है। अच्छा डिलीवर कहाँ तक करते हैं आप? हम पूरे दिल्ली NCR में डिलीवर करते हैं। पूरे दिल्ली NCR में? तो भाई साहब ये ऐसा है कि आप कहीं भी हो, दिल्ली में कहीं भी हो, आप ऑर्डर कीजिए, आपको इनका चिकन जो है, मटन जो है, फिश जो है मिल जाएगा आपको, और बहुत यूनिक रेसिपी है इनका। तो हम लोग फटाफट चलते हैं, देर नहीं करते हैं, चलते हैं देखते हैं कि वो बनता कैसे है, फिर करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट क्या है। शुरुआत करें वीडियो की? बिल्कुल, चलिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, 1 किलो चिकन बनाने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल है ना? जी हाँ, ये हमने फ़ौरन ले लिया है। इसमें दालचीनी है, जीरा, काली मिर्च है, स्टार फूल है, आपका लौंग है, जावित्री है, और बड़ी इलायची है, और ये तेज पत्ता है। ये खड़े मसाले हम यूज़ करेंगे इसमें चिकन करी में। और जो बन रहा है सब 1 किलो के अकॉर्डिंग बन रहा है? हाँ, ये 1 किलो के अकॉर्डिंग मैंने डाला है, सब कुछ ऑथेंटिक है, टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, कोई घी बटर का यूज़ नहीं करते हैं, पूरा बिहारी स्टाइल है, बट इसमें कुछ स्पेशल मैंने कर दिया है, जो जेडी का जो है विस्की हम इसमें यूज़ करेंगे, यही स्पेशल है। तो डिमांड होता है आपका इसका? डिमांड होता है, जैसे ऑर्डर हमारे जो है कस्टमाइज ऑर्डर होता है, कोई ऑर्डर करते हैं, जिस तरह का ऑर्डर करते हैं वो हम बना के देते हैं, तो इसका भी डिमांड है, दिल्ली में शुरू हो चुका है, इसीलिए मैंने आपको टेस्ट कराना चाहा। क्योंकि हमारे ऑर्डर मोस्टली कॉर्पोरेट ऑर्डर होते हैं, जिसमें हाई क्लास के लोग होते हैं, तो ऑर्डर कई तरह के ऑर्डर आते हैं, तो हम जो है सारा बनाते हैं। सैटरडे संडे तो हमारा बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है, और काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, 8-10 किलो का ऑर्डर हो जाता है। अच्छा जी। जी हाँ जी हाँ जी, ये इवन हम चिकन और मटन भी ला के पहले से नहीं रखते हैं, कॉल आया कस्टमर का, वो बताएंगे कि उनको जो है कैसे पीसेस चाहिए, वो पीसेस जाएंगे और तुरंत ले आएंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम फ़ौरन डाल देंगे तुरंत। तो जी कैसे बनता है जेडी का चिकन? वो प्याज हमने ले लिया है, तेल हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। अच्छा, फ्राई के लिए भून लिया इसको? जी हाँ। कितने मिनट तक? जब तक ये प्याज जो है लाल ना हो जाए, थोड़ा घुलने ना लग जाए, इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे हम, ताकि जल्दी से जो है प्याज गल जाए। ये 1 किलो के हिसाब से हम जो है 2 चम्मच जो है नमक डाल देंगे। तो गाइस ये 1 किलो के अकॉर्डिंग बन रहा है यहाँ का जेडी चिकन, और ये गया कितना प्याज होगा? ये प्याज जो है 1 किलो में आधा किलो प्याज है, लगभग आधा किलो का अकॉर्डिंग प्याज है, और यहाँ पे रखा हुआ है 1 किलो चिकन है ना, फ्रेशली चिकन है। चिकन में मोस्टली हम लेग को जो है ना 2 पार्ट में कट करवा देते हैं, क्योंकि इसके जो होते हैं ना सॉफ्ट होता है, और मान लीजिए और जिसमें बोनलेस अगर पूरा मुर्गा लेते हैं, तो बोनलेस कई पीसेस जो होते हैं ना वो थोड़ा च्यू हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट नहीं होते। मुर्गा भी हम छोटा ही यूज करते हैं, 800 ग्राम का, ज्यादा बड़ा नहीं। चलिए देखिए यहाँ मुर्गा इनका है, इसको फ्राई कीजिएगा अभी कम से कम 10-15 मिनट है ना? जी हाँ जी, इसको ढक के धीमी आंच पे जो है ना हम थोड़ा सा इसको गलाएंगे, ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बने, थोड़ा सा प्याज रहना नीचे उसमें। बिहारी स्टाइल बने और ये ना पड़े तो कैसे काम चलेगा ना? लहसुन इसमें जो है साबुत लहसुन भी डलेगा, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहारी स्टाइल ही फूड के लिए जाने जाते हैं, और उसी की डिमांड होती है। पर आज थोड़ा बिहारी स्टाइल है, पर उसमें कुछ जो है ऐड कर दिया हमने। दिल्ली के लोग दीवाने हैं इस चीज़ के। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा उनको लगता है, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक और रस्टिक फूड है ना, ये दिल्ली में बहुत कम मिलता है। सेम ग्रेवी रेस्टोरेंट में मिलता है, टोमेटो वाली ग्रेवी, और मीठा मीठा होता है। तो ये पकता ही है, आधे घंटा 15 मिनट लगेगा? जी हाँ, ये अभी तो प्याज थोड़ा भुनेगा, लाल हो जाएगा 10-15 मिनट में, उसके बाद हम मसाले जो है इसमें, तब तक मैं मसाले तैयार कर लेता हूँ और थोड़ा पानी डाल के, ताकि मसाले जो है ना जले नहीं जब हम भूनेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया डालेंगे, और मैं जो बनाता हूँ तो धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालता हूँ, चिकन में भी मटन में भी। 1 किलो चिकन है तो लगभग 4-5 चम्मच मैं धनिया डालूँगा। हल्दी डालेंगे, हल्दी कम ही यूज़ करेंगे, नहीं तो थोड़ा कलर जो है ना येल्लो ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा गर्म मसाला है जो हम खड़े मसाले ला के
और घर में पीसते हैं, कौन सा चीज़ कितने मात्रा में जाएगा। कोई मसाला स्पेशल तो नहीं होता है, कोई अपने घर में नहीं बनाता है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक है मसालों का। बस ये स्पेशल होता है कि आप मसाला कौन सा चीज़ कितना डालते हैं, दालचीनी कितना डाले, कौन सा चीज़ कितना डालते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके हिसाब से मैं खुद लाता हूँ और फिर उसको पीसता हूँ। अच्छा, वो खुद से खड़े लेकर आते हैं फिर उसको पीसते हैं। तो इसको हम जो है दो चम्मच जो है यूज़ करेंगे। वैसे कस्टमर का कस्टमाइज बनता है, कोई कम मसाला कहता है कम बनाते हैं, पर ये हम लोग सर के लिए बनाए हैं और सर बिहार के हैं तो बिहार में थोड़ा स्पाइसी ही चलता है और मसालेदार ही चलता है। जी हाँ, मिर्च भी हम जो है दो हल्का चम्मच डालेंगे और ये भी कुछ मसालों का जो है मिश्रण है, उसको जो है पीसा गया है। सीक्रेट कुछ नहीं आपके पास है? सीक्रेट तो कुछ होता ही नहीं, किसी के पास भी नहीं होता है। मसाले तो वही है जो है भारत में। हाँ, उसकी मात्रा का सीक्रेट होता है कि भाई कौन सा चीज़ आप कितने मात्रा में डाले हैं। जैसे मैं जीरा काली मिर्च जो है गर्म मसालों में कम यूज़ करता हूँ, जो स्टार फूल है आपका, बड़ी इलायची है, लौंग है, जावित्री, सबको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये भी हम लगभग दो चम्मच डाल देंगे। अच्छा, आप इसको सबको मिला देंगे, मतलब वो कर देंगे आप, डाइल्यूट कर देंगे पानी से? अच्छा जी, तो मसाला घोल लेंगे। अच्छा, ताकि इससे जो मसाला जो है जलेगा नहीं आपका भूनने टाइम, फिर जलेगा नहीं। सबका अपना तरीका होता है, कई लोग जो है प्याज जब भूनता है तो उसी में डाल देते हैं मसाला चिकन भून के। मैं पर मसाला पहले तैयार कर लेता हूँ। तो जी 22 मिनट के आसपास हो गया है भूनते भूनते प्याज को और लहसुन को। अब क्या जाएगा इसके अंदर में? इस पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, जो तीन चम्मच है लगभग। तीन चम्मच के? जी हाँ। इसको भी थोड़ा हम भून लेंगे अच्छे से तेल में। अच्छा, इसको फ्राई कीजिए कितने मिनट? इसको एक से दो मिनट जो है ना इसको भूनूंगा मैं लहसुन को। और तब क्या जाएगा इसके बाद? इसके बाद फिर मसाले जाएंगे और फिर मसाले को भूनेंगे साथ में हम। दोस्तों कैसे कैसे बनता है सब दिखा रहे हैं आपको, अगर आप भी चाहें तो आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हम इसमें जो है जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला डाल देंगे और ये मसाला डालने के बाद इसकी हम पूरी भुनाई करेंगे अच्छे से। जी हाँ जी हाँ, इसमें कोई कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए नहीं डाला है, ये भुनाई से कलर आएगा, आप देखिएगा लास्ट में कैसा कलर आएगा इसमें जी। 25 मिनट धीमी आंच पे भूनते जो है, ये देखिए धीमी आंच पे था, 25 मिनट भूंजे इसको है। और अब क्या कीजिएगा इसमें? अब इसमें चिकन डालेंगे, अब देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। और चिकन डाल के फिर से हम चिकन के साथ जो है भुनाई करेंगे, फिर 10-15 मिनट जो है, 15 मिनट तो भुनाई करेंगे। इसके बाद आगे का प्रोसेस जो है आप देखेंगे क्या करते हैं। चिकन इसके अंदर, वाह जी, चिकन के साथ भी भुनाई होगा और खुशबू भी से निकल के आने लगी है। जी हाँ बिल्कुल। और आज हम टेस्ट करने वाले हैं भाई साहब जीडी चिकन, मतलब इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया मैंने आज तक। जी बिल्कुल, आज ट्राई कीजिएगा और बताइएगा तो टेस्ट कैसा है इसका, टेस्ट कैसा है। अब इसको जो है ना ढक के जो है ना ढक देंगे, फिर हर दो में एक मिनट पे जो है ढक्कन हटा के भुनाई करेंगे। इसको भी 15 मिनट अभी तक भुनाई करेंगे, 15-20 मिनट धीमी आंच पे। जी हाँ जी हाँ। अब ये 10 मिनट हो चुका है भूनते हुए, हल्की आंच पे भून रहे हैं, कलर निकल के आने लगा। जी हाँ जी हाँ। अब 2-4 मिनट जो है ना और भूनेंगे और फिर जो है आगे का जो मेन प्रोसेस है ना वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए कलर आ चुका है, अब पूरा रेड कलर आ गया है और ये पूरी भुनाई हो चुकी है। अब बिना शिमला मिर्च का, मतलब वो कश्मीरी लाल मिर्च के, बिना कश्मीरी लाल मिर्च का देखिएगा इस कलर जो है कलर भुनाई से आता है। जी हाँ जी हाँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको। जाएगा अब जाएगा मेन चीज जो कि है ये देखो जैक डैनियल विस्की। अभी डालने का टाइम आ गया है, ठीक है, तो अब हम इसका सील खोलते हैं। मेरे पास दूसरा बॉटल भी है जो खुला हुआ है, पर मैं वो इसलिए डाल रहा हूँ कि फिर सोचेंगे डालते भी है जैक डैनियल की नहीं, सिर्फ बॉटल में कहीं दूसरा विस्की तो नहीं है, तो इसलिए मैं सामने सील तोड़ रहा हूँ। वाह जी, तो फाइनली जो है, और बता दूं मैं आपको एक बारी कि मैं किसी भी तरीके से ना अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ टेस्ट की बात है। स्वाद बहुत शानदार होता है इसका, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस चीज़ के लिए कि बिहार में जो है ये चीज़ नहीं मिलता आपको, इसलिए आप यहाँ पे आइए और इसको टेस्ट कीजिए। तो भाई साहब सिर्फ टेस्ट के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या पड़ने वाला है और कैसे बनता है, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी तरीके से किस चीज़ को प्रमोट करने का अल्कोहल को। जी हाँ, तो इसमें हम लगभग जो है ना 60 ml डालेंगे, 60-70 ml।
पूरा आइडिया है आपको 60 ml का? आइडिया है कि इस ग्लास से आइडिया है मुझे कि 60 ml कितना होता है, तो ये पूरा 60 ml हो गया। वाह जी, ओए होए क्या बात है। अब ये डाल के हम जो है ना, हाँ, इसके साथ जो है भुनाई करेंगे। तो भाई साहब है ना जग डैनियल, ये थोड़ा जो है ना मतलब कि एज्ड होता है, पुराना होता है, और दूसरा इसको एज किया जाता है, इसमें एक फ्लेवर निकल के आता है घर में। जी हाँ, एक अलग सा फ्लेवर जो है आएगा जब आप खाएंगे तो। ठीक है, तो आप बताएंगे कैसा लगेगा। तो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ जैक डैनियल विस्की वाला चिकन। वाह, इसमें वाटर भी यूज़ करेंगे जैसा हमें ग्रेवी चाहिए। ठीक है, जितना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा वाटर भी यूज़ करेंगे। डिमांड करेंगे अगर ग्रेवी वाला तो ग्रेवी में डालना पड़ेगा आपको। हाँ, वो डालेंगे पानी। डिमांड करते हैं, वो कस्टमाइज बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा, जैसा डिमांड करेंगे वैसा लटपट खाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तो मैं लटपट बनाऊंगा। तो भुनाई करके फाइनली जो है, ये देखो आप, जैक डैनियल जो है वो चला गया है इसके अंदर में, और सब कुछ कैसे कैसे बना आपने देख लिया है। और अब बारी है इसकी भुनाई की, और फिर करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। जी हाँ बिल्कुल। टाइम कितना लगेगा इसको भूनने में भी? अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट में तैयार है सब कुछ। अच्छा जी, तो जी फाइनली जो है वो चिकन बन के रेडी हो गया है, और अब अंत में क्या करते भैया? अब अंत में जो हम लास्ट स्टेप करेंगे, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, हम जेडी के विस्की का जो है ना छौक मारेंगे इसके अंदर। अच्छा जी? आपने जीरा का छौक सुना होगा, आज जेडी का छौक देखिएगा। ये हमने ले लिया है, ये सेफ तो है ना? जी हाँ सेफ है, कोई इशू नहीं। तो जी ये आ गया जी जेडी का छौक। जी हाँ जल गया है, अब जो इसमें, अरे वाह क्या बात है भाई, पूरे चिकन में फायर हो गया, फायर चिकन है, फायर चिकन, जेडी फायर चिकन ना। जी हाँ जी हाँ। अब हमारा चिकन पूरी तरह से रेडी है, और आप टेस्ट कीजिए और बताइए अपने व्यूअर्स को कि कैसा टेस्ट है। चलिए तो अब बारी टेस्टिंग की, करते हैं टेस्ट और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। लेकिन वाकई में बहुत शानदार कलर निकला इसके अंदर से, और बहुत शानदार खुशबू निकल के आ रहा है इसके अंदर से। तो फटाफट लगवाते हैं अपना प्लेट और करते हैं टेस्ट, बताते हैं कि टेस्ट कैसा है यहाँ का। तो ये दोस्तों फाइनली जो है हमारे पास जो है आ चुका है क्या, जेडी वाला चिकन। ये देखिए ये भाई साहब जेडी चिकन, और पहली बार मैं ट्राई करने वाला हूँ जेडी चिकन। दिखा दिया कि ये बनता कैसे है, अब बारी है भाई साहब टेस्टिंग की। और हाँ एक चीज़, और बिहार के लोग हैं भाई साहब, हम बिहारी, हम पटना वाले पसंद करते हैं क्या मटन, तो मटन भी ले लिया इनका हम लोगों ने। प्राइस की बात करें तो ये पड़ता है आपको 700 रुपये का नॉर्मल चिकन, वो भी 1 किलो का मिलेगा आपको, नॉर्मल चिकन मिलेगा आपको 700 रुपये का। लेकिन अगर चाहते हैं खाना जेडी चिकन तो उसका प्राइस है 1200 रुपये। बात करें भाई साहब ये मटन की, ये देखिए ये मटन इनका है, और बड़ा शानदार सा खुशबू निकल के इसके अंदर जा रहा है। इसका प्राइस है 1400 रुपीज़ जी 1 किलो का, है ना। तो भाई साहब हम यहाँ ट्राई करने के लिए, आज मटन नहीं, आज ट्राई करने के लिए आने के लिए भाई साहब जेडी चिकन, और पहली बार मैं ट्राई करने वाला हूँ, देखा हूँ कैसे बनता है। बारी है अब टेस्टिंग करने की। लहसुन दिया गया है 1, 2, 3, 4 पीस है इसके अंदर में, और घर की फुल्की रोटी, ये देखिए आप, ये देखिए घर की फुल्की रोटी है, चावल है, और इधर सलाद दिया गया है। तो हम करते हैं टेस्ट इसको, बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। और जी ये हमारा ट्राई करने वाले हैं क्या, जेडी चिकन। वाह जी, शानदार फ्लेवर है, एकदम टेंडर हो गया चिकन इनका, और ऐसा नहीं है कि ऊपर से जेडी पड़ा है, मतलब विस्की पड़ा है, तो सिर्फ उसका फ्लेवर निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अपना फ्लेवर जो होता है चिकन का, मसालों का अपना फ्लेवर होता है, वो निकल के आ रहा है। अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्राई करता है ये वाला चिकन तो वो पकड़ नहीं पाएगा कि इसके अंदर में विस्की पड़ा है, लेकिन स्वाद थोड़ा सा अलग है। आपको लास्ट में जाकर ना हल्का सा माउथ में फील होगा कि ऐसा कोई स्पीड टाइप का, या फिर हल्का सा अलग सा फ्लेवर निकल के आपको अंदर से आएगा, वो हम फील बता सकते नहीं है। क्योंकि अगर जो लोग वाइन को लेते हैं या फिर विस्की लेते हैं जो, या जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इसको ना, उनको ये चीज़ फील होगा ना कि कुछ तो इसके अंदर अलग सा है। बहुत शानदार टेस्ट है, और देखिए बिल्कुल एकदम चिकन टेंडर हो गया है, हड्डी अलग और मांस अलग। अब ट्राई करते हैं एक बार इनका ग्रेवी के साथ। ये देखिए आप, ये लिया ग्रेवी हम लोगों ने, और थोड़ा सा चिकन तोड़ते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट चिकन एकदम, ये देखिए एकदम घुल सा जाएगा मुंह में जाते हैं आपको ग्रेवी, और देखिए आप है न,
वैसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ और सच कह रहा हूँ ना, मज़ा आ गया खा करके। नॉर्मली मैंने इनका जो नॉर्मल चिकन होता है जो, वो भी बनते बनते मैंने ट्राई कर लिया था, वो भी बहुत शानदार टेस्ट था उसका। अब बारी है भाई साहब चखाने की मटन इनका। जो देखिए ये इनका मटन है, तो ये हो गया भाई साहब चिकन जेडी वाला, जैक डेनियल बिस्की वाला चिकन, और ये है इनका मटन। ये देखिए आप मस्त एकदम, थोड़ा नलाते हैं इसको ग्रेवी के साथ, और ये देखिए नली वाला पीस, और करते हैं टेस्ट, बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है इसका। एक बार दिखाते हैं पहले खोल के आपको, देखिए कितना सॉफ्ट है या फिर हार्ड है इसका। ये देखिए आप बिल्कुल छूते ही खुल गया, एकदम टेंडर बना है, और ओहो बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया। थोड़ा लेते हैं ग्रेवी, और स्वाद बहुत शानदार है, मतलब लग रहा है कि बिहार का डिश खा रहे हैं यहाँ पे आकर के हमारे दिल्ली में ये। और वाह, तो झालदार भी है, स्वादिष्ट भी है, और प्रॉपर तरीके से एकदम बैलेंस सब कुछ फ्लेवर निकल के आ रहा है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।